हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर तो आज हम ट्वेंटी फोर्थ मार्च का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड इफ यू वांट टू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन जॉइन आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर फर्स्ट न्यूज है इंडिया टॉप्स तो फोर बिलियन डॉलर टारगेट फॉर गुड्स एक्सपोर्ट्स तो इस बार फाइनेंशलियर दो हज़ार का हमारा टारगेट था ता फोर बिलियन डॉलर फॉर मर्चेंडाइज जो कि हमने यहाँ पर अचीव कर लिया है अभी हम यहाँ पर डेटा रीड कर रहे हैं 2022 में हमने इम्पोर्ट किया है 589 बिलियन डॉलर का और हमने यहाँ पर एक्सपोर्ट किया है 400.8 बिलियन डॉलर का अब तक जो हाईएस्ट एक्सपोर्ट हमारा था वो 2019 के फाइनेंशियल ईयर में आपको दिख रहा होगा 330 बिलियन डॉलर का लेकिन हमने उसको भी सरपास कर दिया और इस बार जो हमने अचीव किया है वो फोर बिलियन डॉलर का यहाँ पर हमने एक्सपोर्ट किया है अब इसका रीज़न क्या हो सकता है तो इसके दो रीजनस हैं पहली बात एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी कोविड के चलते यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक्स थी फॉर एग्जांपल यूएस फेडरल रिजर्व आरबीआई सब ने ही यहाँ पर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर चले जिसकी वजह से यहाँ पर रेपो रेट को कम किया गया रेपो रेट को कम किया गया तो लोन्स जो थे वो वो सस्ते दामों में मिलने लगे सस्ते इंटरेस्ट रेट पर मिलने लगे और लोगों ने यहाँ पर लोन्स लेना शुरू किया जिसकी वजह से लोगों के हाथों में पैसा था और लोगों ने यहाँ पर डिमांड की एक रीज़न ये है हमारी डिमांड हमारे, हमारे यहाँ पर एक्सपोर्ट पड़ने का दूसरा रीज़न हमारे एक्सपोर्ट बढ़ने का ये है कि जब कोविड था तो उस समय सब कुछ लॉकडाउन में था लेकिन जैसे ही उसकी वैक्सीन बनी कोविड की वैक्सीन बनी और सब कुछ अनलॉकडाउन होने लगा तो इसकी वजह से हमें पेंटअप ग्लोबल डिमांड देखने को मिली तो बेसिकली दो रीजन एक है पेंटअप ग्लोबल डिमांड और दूसरा है एक्सपेंशनरी मॉनिटरी पॉलिसी अब हम आगे चलते हैं अगर हम चाइना से कंपेयर करें तो अभी भी हम बहुत ज्यादा पीछे हैं जो चाइना एक्सपोर्ट करता है वो करता है थ्री थ्री ट्रिलियन डॉलर का तो बेसिकली टारगेट हमारा वो होना चाहिए क्योंकि चाइना यहाँ पर बिगेस्ट एक्सपोर्टर है तो हम थ्री पॉइंट थ्री ट्रिलियन डॉलर को अचीव कर सके सेकेंड जो न्यूज़ है रेप इज रेप इवन इफ मैन इज हजब कर्नाटक हाई कोर्ट तो यहाँ पर जो मैरिटल रेप को लेकर जो डिबेट है वो कैसे शेप हो रही है वो भी हम डिस्कस करेंगे तो अ मैन इज अ मैन एन एक्ट इज़ एन एक्ट रेप इज अ रेप बी इट परफॉर्म बाय अ मैन द हजबैंड ऑन द वुमेन वाइफ आगे चलते हैं the age-old regressive thought that husbands are the rulers of their wives their body mind and soul should be effaced while the court did not explicitly strike down the marital rape exception to the आर्टिकल सॉरी आईपीसी का जो सेक्शन थ्री सेवेंटी फाइव है उसमें जो रेप की डेफिनेशन उसमें एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि यहाँ पर मैरिटल रेप जो है उसको रेप कंसिडर नहीं किया जाएगा तो वाइल द कोर्ट डिड नॉट एक्सप्रेसली स्ट्राइक डाउन द मैरिटल रेप एक्सेप्शन इट फोर्स द मैरिड मैन टू फेस ट्रायल फॉर रेप चार्जेस ब्रॉड बाई हिज वाइफ जो आई का सेक्शन थ्री है उसमें एक एक्सेप्शन है कि सेक्शुअल इंटरकॉर्स और सेक्शुअल एक्ट बाई अ मैन विद हिज ओन वाइफ द वाइफ नॉट बींग अंडर एटीन ईयर्स ऑफ एज इज़ नॉट रेप तो अभी इस यहाँ पर जो आईपीसी सेक्शन 375 में जो एक्सेप्शन है उसको तो स्ट्राइक डाउन नहीं किया गया है लेकिन इसके बारे में अब डिबेट शेप हो रही है द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डज नॉट कन्फर तो अगर किसी की शादी होगी इसका मतलब ये नहीं कि उस हसबैंड के पूरे राइट्स ओवर द वमन और यहाँ पर कंसेंट का कोई मतलब नहीं है कंसेंट का मतलब तब भी उतना ही है जितना यहाँ पर किसी और केस में होगा तो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज डज नॉट कन्फर कॉन्ट कन्फर एंड एंड माई कंसिडर्ड व्यू शुड नॉट बीट्यूट टू कन्फर एनी स्पेशल मेल प्रिवलेज और अ लाइसेंस फॉर अनिशिंग ऑफ अ ब्रूटल बीस्ट इफ इट इज पनिशेबल टू अ मैन इट शुड भी पनिशेबल टू अ मैन ऑल दो वो मैन उसका हस्बैंड ही क्यों ना हो अ ब्रूटल एक्ट ऑफ सेक्शुअल असोल्ट ऑन द वाइफ अगेंस्ट हर कंसेंट एलबीट बाय द हस्बैंड कांट बट बी टर्म टू रेप सच सेक्सुअल असोल्ट बाय हस्बैंड ऑन इज वाइफ विल हैव ग्रेव कॉन्सिक्वेंस यहाँ पर वाइफ की साइकोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट उस पर बहुत ज्यादा पड़ेगा और ये एक तरीके से उस वेमेन की पूरी लाइफ को स्कार कर देता है इफ अ मैन अ हस्बैंड अ मैन हीय कैन भी एक्जेम्पेड फ्राम द एलीगेशन ऑफ कमीशन ऑफ इन्ग्रेडियंट्स ऑफ सेक्शन थ्री सेवन आई पी सी इसका मतलब यह है कि इन आ गई है और ये आर्टिकल फोर्टीन को वॉयट कर रहा है तो देर फूड इट वुड रन काउंटर टू वॉट इज इश्राइंड इन आर्टिकल फोर्टीन ऑफ द कॉन्स्टिट्यून सारे ही ह्यूमन बिंग्स कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वली ट्रीट किए जाने चाहिए बीट अ मैन वुमेन और अदर्स तो यहाँ पर अगर एक ये एक् एक्सेप्शन रहेगा तो उसका मतलब यह है कि इन इक्वालिटी यहाँ परकुलेट कर रही है अगर हम देखेंगे सेक्शन थ्री सेवनटी फाइव क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय मेकोलिक कोड में इसका जेनेसिज है तब उस समय बात की गई थी कि सेक्शन थ्री सेवनटी फाइव यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा तो दैट बिगेम द बेसिस फॉर द इंडियन पीनल कोड ऑफ एटीन सिक्सटी और ये आज तक चला आ रहा है इंडियन पीनल कोड अठारह सौ साठ का है कितने ज़्यादा साल हो चुके हैं लेकिन रूल अभी तक चेंज नहीं हुआ है तो बेसिकली इसके ऊपर डिबेट हो रही मैरिटल रेप को हटाना चाहिए नहीं हटाना चाहिए अब यहाँ पर गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर हो जाए उसके बाद यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपना यहाँ पर डिसीजन दे सकता है नेक्स्ट है अमिड अहिर प्रोटेस्ट इन गुड़गांव हुडा से विल मूव बिल इन राज्यसभा सीकिंग रेजिमेंट अब यहाँ पर डिमांड है कि अहिर रेजिमेंट होना चाहिए जैसे कि यहाँ पर राजपूत रेजिमेंट है जाट्स रेजिमेंट है वैसे ही यहाँ पर अहिर रेजिमेंट होना चाहिए ये न्यूज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन पेज पर यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है कोई इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है आगे चलते हैं अब मधुबनी पेंटिंग कहाँ की है ये आपको पता है बिहार की वर्ली पेंटिंग कहाँ की है महाराष्ट्र की है। वैसे ही जो साझी आर्टिस्ट हैं वो कहा के हैं तो वो मथुरा के हैं तो एक्टर एम पी एक्स द गवर्मेंट इफेटेड एनी प्लान टू एनकरेज साझी आर्टिस्ट फ्रॉम द मथुरा वृंदावन एरिया तो ये आपको पता होना चाहिए मधुबनी आपको पता है वर्ली आपको पता है और ये सांझी आर्टिस्ट आपको और पता चल गया अब यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया था रिगार्डिंग फॉर्म बिल्स अब उस पैनल ने ये बोला कि हम यहाँ पर अगेंस्ट थे कि ये जो बिल है उनका रिपील नहीं होना चाहिए लेकिन उसका बिल का रिपील हुआ क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशन की बहुत सारी फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्टेशन की और उनके फीडबैक के बेसिस पर हमने डिसाइड किया अब इसमें ये बताया गया कि जो ये बात कर रहे हैं कि इन्होंने कंसल्ट किया तो उन्होंने एक्चुअली डायरेक्टली सिर्फ सेवेंटी फोर ऑफ द थ्री जीरो सिक्स फार्मर बॉडीज़ से ही कंसल्ट किया द कमिटी इंटरेक्टेड डायरेक्टली विद ओनली सेवेंटी थ्री ऑफ द थ्री जीरो सिक्स फार्मर बॉडीज इट हैड इन्वेटेड फॉर कंसलटेशन तो आई टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को फिजिकली विद ओनली सेवेंटी थ्री ऑफ द थ्री जीरो सिक्स फार्मर बॉडीज तो यहाँ पर जो है वो बात करें कि हमने वाइड स्प्रेड कंसल्टेशन किया तो ऐसा कोई कंसल्टेशन नहीं हुआ था हाउ महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑफ फॉर सोयाबीन फार्मर्स अब यहाँ पर ये केस स्टडी की तरह आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कहीं फार्मर्स की प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बताना है तो आप ये बता सकते हो कि महाराष्ट्र में ऐसा किया जा रहा है हम भी ऐसा कर सकते है। हैं दो टुडे हेज़ फोर्टी टू क्विंटल्स ऑफ सोयाबीन टू सेल एट अ टाइम दन होल सेल मार्केट प्राइस इन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र अब यहाँ पर जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र है ये टू बिगेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री तो यहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का पता चल गया अब किया गया यहाँ पर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने तो ये भी हम डिस्कस करेंगे अब बेसिकली क्या हुआ था दो साल पहले जो जर्मिनेशन था वो पूरी तरीके से फेल हो गया था सोयाबीन का जिसकी वजह से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ था तो फ्रॉम सब स्टैंडर्ड सीड्स टू एन करेक्ट सोइंग टू एन एडिकोट लेवल्स ऑफ मॉइस्चर इन द सोइल देयर वर सेवरल रीजंस फॉर द जर्मिनेशन फेलियर तो प्लान टू तो सो एन एडिशनल क्रॉप इन राबी हैड टू प्राइमरी गोल्स तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया कि राबी के सीजन में आप एक एडिशनल क्रॉप यहाँ पर ग्रो करोगे अब एडिशनल क्रॉप ग्रो करने का क्या फ़ायदा है कि अगर खरीफ सीजन में यहाँ पर फार्मर को कोई नुकसान हुआ है तो यहाँ पर वो नुकसान कॉम्पनसेट हो जाएगा दूसरा रीज़न ये कि अगर खरीफ सीजन में नहीं भी कुछ नुकसान हुआ है तो यहाँ पर फार्मर्स की इनकम में कुछ एड ऑन हो जाएगा तो ये बेसिकली इनका प्लान था आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव आपको पता होगा आर्टिकल थ्री फिफ्टी फाइव दो कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद एन एमरजेंसी प्रोविजन जिसमें जो सेंटर है वो इंटरवीन कर सकता है और स्टेट को प्रोटेक्ट कर सकता है अगर स्टेट के अगेंस्ट कुछ एक्सटर्नल एग्रेशन या इंटरनल डिस्टर्बेंस हो रहा है तो यहाँ पर जो सेंटर है वो इंटरवीन कर, कर सकता है और बेसिकली एमरजेंसी प्रोविजन है आगे हम चलते हैं चेंजिंग फेस ऑफ मनी अब इस बार बजट में बहुत सारी नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करने की बात की गई फॉर एग्जाम्पल सी बी सी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सॉवर्ण ग्रीन बॉन्ड्स इसके अलावा यहाँ पर एलआई सी का डिस इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो पहले तो ऑथर ने यह बताया कि डिस इन्वेस्टमेंट एल आई सी का बहुत टाइम से, से डिले हो रहा है अभी वॉर की सिचुएशन है जिसकी वजह से डिले हो रहा है तो ऐसे तो पता ही नहीं कभी एल आई सी का यहाँ पर डिस इन्वेस्टमेंट हो पाएगा तो कोर्स ऑफ द वॉर इज नॉट नोन एंड इफ दिस अनसर्टेनिटी हैज़ हेल्ड बैक द आईपीओ नाउ तो कोई गारंटी नहीं कि इस अप्रैल या मई में, में भी यहाँ पर एलआईसी का डिस इन्वेस्टमेंट हो सके दूसरी बात सोवर्न ग्रीन बॉन्ड्स अब सोवर्न तो आपको पता है कि सरकार इशू करेगी ग्रीन बॉन्ड्स का मतलब यह है कि यह सिर्फ उसी प्रोजेक्ट्स के लिए बोरिंग की जाएगी जो कि ई एस जी कंप्लाइंट है ई एस जी कंप्लाइंट का मतलब ये इवायरमेंटल सोशल और गवर्नेंस कंप्लाइंट है सिर्फ उन्हीं के लिए यहाँ पर बोरिंग की जाएगी तो सोवर्न ग्रीन बॉन्ड रेस्ड विल बी पार्ट ऑफ द एग्रीगेट बोरिंग प्रोग्राम

सेकेंड इफ़ इट्स गोइंग टू को एग्जिट विद करेंसी अब यहाँ पर ऑथर ने काफी सीनारियों बताएं कि अगर करेंसी भी होगी और यहाँ पर सी बी डी सी भी होगा तो ये कैसे डिफरेंट होगा दोनों में क्या डिफरेंस होगा और लोग यहाँ पर करेंसी से सी बी डी सी की तरफ आएँ उसके लिए क्या इंसेंटिव्स होंगे और दूसरी बात अगर ये सिर्फ टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा तो अगर सब कुछ पूरा सिस्टम ही हैक हो गया तो ऐसे में तो सारी करेंसी हैक हो जाएगी तो फिफ्थ इज द इशू ऑफ सिक्योरिटी एज एनी फाइनेंशियल सिस्टम दैट रंस ऑन टेक्नोलॉजी कैन बी हैक्ड तो इसका एक सोल्यूशन ये हो सकता है कि आप यहाँ पर पार्टली तो ए, पेपर फॉर्म में रखें और पार्टली यहाँ पर डिजिटल फॉर्म में रखें इसके अलावा कॉन्फिडेंशियलिटी का इशू है कि अगर एक कॉन्फिडेंशियल नहीं फॉर एक्जाम्पल सी से मैंने किसी को गिफ्ट दिया कपल को और यहाँ पर जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो उसको भी ट्रैक करा तो यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी का भी इशू आता है कि इसको कैसे यहाँ पर टैकल किया जाएगा आगे चलते हैं अब कोटा टू मैने अब कल मैंने आपको बताया था एक स्कीम है स्पेशल डिस्पेंसेशन स्कीम फॉर एडमिशन इन द केंद्रीय विद्यालय जिसमें यहाँ पर एम के पास कोटा होता है दस सीट्स की वो यहाँ पर दस सीट्स रिकमेंड कर सकते हैं कि किस बच्चे को यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय में अलॉट होनी चाहिए तो स्कीम अलाउज एवरी एमपी टू रिकमेंडेड टेन स्टूडेंट्स फॉर एडमिशन टू द केंद्रीय विद्यालय गिवन दट देर आर फाइव फोर्टी थ्री एम पीज लोकसभा दो सौ पैंतालीस राज्यसभा में इसका मतलब यह है कि सात हजार आठ सौ अस्सी एडमिशन हो सकते हैं इस कोटा की वजह से जो कि यहाँ पर एम पीज को स्पेशल प्रिवेलेज दी गई वो यहाँ पर रिकमेंड कर सकते हैं कोटा सिंस द स्कीम फेसिलिटेड एडमिशन ओवर एंड अबव द क्लास स्ट्रेंथ ऑफ के वीज फॉर एक्जाम्पल यहाँ पर केवी में क्लास स्ट्रेंथ में तीस बच्चे होने चाहिए और यहां पर एम पी ने रिकमेंड कर दिया तो पांच बच्चे और बढ़ गए तो बेसिकली पैंतीस बच्चों की क्लास होगी तो यहां पर जो पीपील टीचर रेशो है वो यहां पर डिस्टर्ब हो गया तो इट इज वेल नोन दट मेनटेनिंग हेल्दी पीपल टीचर रेशो स्पेशली एट दाउंडेशन लेवल क्रिकल टू

तो बेसिकली आप एक तरीके का डिस्क्रिशनरी प्रोविजन दे दे रहे हो एमपी के हाथ में और जिसकी वजह से यहाँ पर एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है वो डाइल्यूट हो रहा है A discretion accorded to एन elected representative is based on द premise that the पीपल trust द politician टू ensure इट्स बेस्ट यूज अब यहाँ पर बेसिकली एक MP लगभग दस से पंद्रह लाख की कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है तो ऐसे में सिर्फ दस को रिकमेंड करना बाकी सबके यहाँ पर रिकमेंडेशन को खारिज कर देना बिना कोई जस्टिफिकेशन दिए तो उसकी वजह से यहाँ पर लोग जो है वो नाराज भी हो जाते हैं एम पी से तो एन एम पी इज अप्रोच बाई पीपल सेवल टाइम्स मोर दैन द कोटा अलॉेटेड टू हिम और हर इवेलुएटिंग ईच प्रपोजल टू डिंग द मोट डिजर्विंग एंड मेरीटोरियस वंस इज प्रैक्टिकली अनफीजिबल तो बेसिकली इस पावर का यूज होता है तरीके से तो यहाँ पर जो सात हज़ार आठ सौ अस्सी का कोटा आपने एम को दे रखा आप इसको यूज़ कर सकते हैं मेरिट मेरिट के बेसिस पर यहाँ पर स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करने के लिए इन अ ट्रांसपेरेंट मैनर तो बेसिकली ऑथर ने यहाँ पर यही समरीज की बताई है कि ये जो कोटा है पूरी तरीके से आपको कैंसिल ही कर देना चाहिए और इस कोटा की कोई ज़रूरत नहीं है आगे हम चलते हैं मेरियोपोल इन फ्लेम्स इज बाइडन हेड्स टू यूरोप तो इसमें कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है अब तालिबान ने ये बोल दिया कि सिक्स क्लास से ऊपर जो गर्ल्स हैं वो अभी स्कूल नहीं जा सकती उनके लिए स्कूल बंद ही रहेंगे तो अफगानिस्तान तालिबान रूलर्स डिसाइडेड अगेंस्ट ओपनिंग स्कूल टू गर्ल्स ऑफ द सिक्स ग्रेड तो मूव इज लाइकली टू डील अ सिग्निफिकेंट ब्लो टू द क्रेडिबिलिटी द तालिबान हेडबिन अब यहाँ पर तालिबान कह रहा था कि जो हमारी गवर्नमेंट होगी वो इंक्लूसिव होगी वेमन को लेकर चिल्ड्रन को लेकर लेकिन ऐसा ग्राउंड पर होता हुआ दिख नहीं रहा है तो बेसिकली यहाँ पर जो उनको ह्यूमेटेरियन एड मिलने वाली थी इस कंडीशन पे कि इनकी गवर्नमेंट इंक्लूसिव होगी तो अगर ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं रखेंगे तो इनको जो एड मिलना है वो बंद हो जाएगी द अहीर रेजिमेंट डिमांड ये अभी हम डिस्कस करेंगे जो अहिरवाल रीजन है वो क्या क्या इंक्लूड करता है तो यहाँ पर मैप आप देख सकते हैं रेवारी इसके अलावा अहिरवाल रीजन हरियाणा में बहुत ज़्यादा इसका पार्ट है महेंद्रगढ़ गुड़गांव द अहिरवाल रीजन विच इंक्लूड्स द सदन हरियाणा डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेवारी महेंद्रगढ़ गुड़गांव एंड इज एसोसिएटेड विद राउत तोलाराम अब राउत तोलाराम अहीर हीरो थे एटीन फिफ्टी सेवन रिवोल्ट के और उन्होंने ट्रेडिशनली बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया था टू द इंडियन आर्मी अब यहाँ पर अही ट्रुप जो है उनकी इंपॉर्टेंस तब ज़्यादा बढ़ गई 1962 में जब बैटल ऑफ रिजांगला हुआ और बैटल ऑफ रिजांगला में तो बेसिकली यहाँ पर जितने ही लोग थे सबकी ही डेथ हो गई थी सिर्फ यहाँ पर तीन ही लोग बचे थे जो सीरियसली इंजर्ड हो गए थे तो यहां पर जो सोल्जर्स मार्टर हुए थे वो बेसिकली बिलोंग करते थे अहर रेजिमेंट को अरे रेजिमेंट को नहीं अ ट्रूप्स को बिलोंग करते थे क्योंकि अहि रेजिमेंट जैसा तो कुछ है ही नहीं तो मोस्ट ऑफ द सोल्जर्स ऑफ सी कंपनी ऑफ द थर्टीन बटालियन ऑफ द कुमाऊ रेजिमेंट पैरिस्ट फाइटिंग द चाइनीज ऑनस्लॉट लेकिन यहां पर चाइनीज ऑनस्लॉट को तो फाइट करते करते बेसिकली लोग मार्टर हो गए लेकिन यहां पर इन्होंने चाइनीज को रोका कि जो चाइनीज है वो चुशल तक न पाए तो मेम्बर्स ऑफ द कम्युनिटी हैव लॉन्ग आर्ग्यूड डिट द अज डिजर्व अ फुल फ्लैजेड इन्फेंट्री रेजिमेंट तो यहां पर उसके बाद से डिमांड और ज्यादा बढ़ गई कि यहां पर अहर के लिए एक फुल

सेक्रीफाइस करते हैं तो ऐसे में एक ही रेजिमेंट होना चाहिए अब आर्मी का क्या रिस्पॉन्स है होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो बेसिकली आर्मी यहाँ पर पूरी तरीके से रिजेक्ट करती है तो आर्मी हैज़ रिजेक्टेड द डिमांड फॉर एनी न्यू क्लास और कास्ट बेस्ड रेजिमेंट इट हैज़ सेट तो डट वाइल द ओल्डर रेजिमेंट जैसे कि पहले ब्रिटिश के टाइम में जो था डोगरा रेजिमेंट सिख रेजिमेंट राजपूत रेजिमेंट एंड पंजाब रेजिमेंट वो तो रहेगा लेकिन हम कोई नया रेजिमेंट नहीं बनाएंगे क्योंकि अगर ही रेजिमेंट बना दिया तो और डिमांड्स आने लगेगी फॉर एग्जाम्पल हिमाचल रेजिमेंट बनाओ कलिंगा रेजिमेंट बनाओ गुजरात रेजिमेंट बनाओ या और कोई ट्राइबल से कि यहाँ पर आप ट्राइबल रेजिमेंट बनाओ तो बेसिकली जो कॉलोनियल थ्योरी के यहाँ पर मार्शल रेसेस होते थे नॉन मार्शल रेसेस होते थे हम उसको पूरी तरीके से सब्सक्राइब नहीं करते हैं और इसीलिए हम ऐसा कोई नया रेजिमेंट बनाने के पक्ष में नहीं है तो ये यह यहाँ पर आर्मी का जो डिसीजन है वो भी हमने डिस्कस कर लिया अब मेरीओपॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है रशिया के लिए इस वॉर में तो मेरियोपॉल जो है वो क्राइमिया और डॉनबास के रीजन में लाइक करता है तो मेरियोपाल लाइज बिटवीन क्रीम जो कि रशिया ने एक्स किया था 2014 में और डॉनबास जहाँ पर यहाँ पर रशियन बेड सेपरेटिस्ट रहते हैं अब कैप्चरिंग मेरियोपोलॉलॉल रशिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर यहाँ पर रशिया ने मेरियोपोल को कैप्चर कर लिया तो जो कोस्ट लाइन है वो यहाँ पर रशिया के कंट्रोल में आ जाएगी अगर कोस्ट लाइन यहाँ पर रशिया के कंट्रोल में आ गई तो जो भी कॉमर्स है जो भी यहाँ पर ट्रेड करता है यूक्रेन वो ट्रेड नहीं हो पाएगा तो द ग्रेन ट्रेड थ्रू द ब्लैक सी इज़ द लाइफ ब्लड ऑफ द यूक्रेनियन इकानमी जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर रुक जाएगा इन कर्नाटका और दो हज़ार पंद्रह का सेंसस एस सी ऑर्डर ऑन ओ बी सी कोटा टाइप लोकल पोल्स अब सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग अगर लोकल बॉडी पोल्स में आपको ओ बी सी को कोटा देना है तो वो डेटा के बेसिस पर होना चाहिए तो डेटा होना चाहिए उसके बेसिस पर ही आप यहाँ पर लोकल बॉडी पोल्स में ओ बी सी को कोटा प्रोवाइड कर सकते हो तो रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर री एट्रेटिंग एड रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन लोकल बॉडीज शुड बी बेस्ड ओनली ऑन इम्पेरिकल डेटा ऑन द नंबर्स एंड बैकवर्डनेस ऑफ द कास्ट ग्रुप्स अब इसके लिए यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल टेस्ट फॉमूला है ट्रिपल टेस्ट फॉर्मूला क्या है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे तो बिगनिंग विदर 2010 कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट इन अ केस जहाँ पर वेलिडिटी क्वेश्चन की गई थी कि जो आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डी सिक्स और टू फोर्टी थ्री टी सिक्स में यहाँ पर जो ओ बी सी को कोटा मिलता है वो चैलेंज किया गया था और उसके बाद ही यहाँ पर कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट हमला की बात की थी तो द सुप्रीम कोर्ट इज इम्फेसाइज द नीड फॉर पॉलिटिकल कोटाज टू बी बैक बाई इम्पीरिकल डेटा तो यहाँ पर डेटा कलेक्ट करके दिखाना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को कि ये डेटा है और यहाँ पर ओ बी सी का इतना अंडर रिप्रेजेंटेशन है इसीलिए हम यहाँ पर ओ बी सी कोटा दे रहे हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ अपडेटेड इंपीरिकल डेटा इट इज़ वेल हाई इम्पॉसिबल फॉर कोर्ट्स टू डिसाइड वेदर रिजर्वेशन इन फेवर ऑफ ओ बी ग्रुप्स आर प्रोपोशनेड और नॉट तो यहाँ पर डेटा कलेक्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है महाराष्ट्र में भी जो यहाँ पर लोकल बॉडी पोल्स हैं उनको यहाँ पर रोक दिया गया था क्योंकि यहाँ पर डेटा कलेक्ट करके यहाँ पर ओबीसी को ये लोग बेसिकली रिजर्वेशन नहीं दे रहे थे ये लोग रिजर्वेशन दे रहे थे लेकिन उसके लिए उन्होंने कोई डाटा कलेक्ट नहीं किया था तो वेल द टू थाउजें टेन ऑर्डर वॉज नॉट एक्टेड अपन बाई स्टेट्स इन ट्वेंटी नाइनटीन ट्वेंटी महाराष्ट्र मूव टू रिजर्व ओवर फिफ्टी परसेंट सीट इन लोकल पोल्स वॉज डिस्प्यूटेड इन कोर्ट और यहाँ पर कोर्ट ने थ्री स्टेप रूल की बात बताई पहला एक स्टेट कमीशन जो कि यहाँ पर इंपीरिकल इंक्वायरी करेगा और यहाँ पर डेटा कलेक्ट करेगा कि कौन कितनी यहाँ पर बैकवर्डनेस है दूसरी बात ये देखा गया कि जितनी बैकवर्डनेस है उसके प्रोपोर्शन में यहाँ पर रिजर्वेशन दिया जा रहा है या नहीं और तीसरी बात यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो फिफ्टी परसेंट के मार्क को क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए तो ये बेसिकली ट्रिपल फॉर्मूला है अब यहाँ पर टी ने शेयर्स को बाई बैक कर लिया बाई बैक क्या होता है तो बाई बैक का मतलब बेसिकली ये होता है अपने ही कंपनी दियूं दियूं। बैक बैक तो ताँगे। ताँगे। ताँगे के शेयर्स को कंपनी वापस खरीद ले तो बाई बैज़ अ स्कीम वाई अ कंपनी रीपर्चेज अ सर्टन अमाउंट ऑफ इट्स आउट स्टैंडिंग शेयर्स अब कंपनी ऐसा क्यों करती है कंपनी ऐसा इसीलिए करती है ताकि जो बचे हुए शेयर्स बचे हुए शेयर होल्डर्स हैं उनको यहाँ पर ज़्यादा डिविडेंड मिल सके दूसरी बात अगर कंपनी प्रोमोटर्स के जो यहाँ पर स्टेक है वो बढ़ाना चाहती तब कंपनी यहाँ पर बाई बैक करती है टू एस्के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स अब यहाँ पर जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है वो ज़्यादा एज कम्पेयर टू यहाँ पर बाई बैक ट इसीलिए यहाँ पर जो कंपनीज हैं वो ज्यादातर जो स्टेप ले रही हैं वो ये ले रही है हम शेयर्स को बाई ब करें ना कि हम यहाँ पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दें तो अर्लियर कंपनीज टू फोकस मोर ऑन डिविडेंड्स डिविडेंस बाई स्टार्टेड चार्जिंग थर्टी परसेंट टैक्स अकॉर्डिंग टू द स्लैब ऑन डिविडेंड्स जो टैक्सेशन बाई बैक प्रॉफिट पे वो कम एज कमेयर टू डिविडेंड टैक्सेशन जिसकी वजह से यहाँ पर कंपनीज जो है वो अपने शेयर्स को बाई बैक कर लेती है तो आई होप समझ आ गया आपको बाई ब का मतलब क्या होता है अगर आपको पेस बहुत ज्यादा लगा हो तो बेसिकली आज लेट हो गया था तो अगर आपको पेस बहुत ज्यादा लगा हो तो आप पेस कम कर सकते हैं आई होप आपको अच्छा पेपर समझ आ गया हो लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक And subscribe thank you and have a nice day